नमस्कार, मैं हूं भगवान राम दोरीमिना। आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो शख्सियत ये है RLP पार्टी के बाड़मेर जिला के सबसे कदावर नेता उम्मीदवार रामजी बेनीवाल, जो बायतू से प्रत्याशी रहे और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य जिला बाड़मेर के हैं, जो 24 जून 2023 को दोरीमिना में जो गुड़ामालन विधानसभा क्षेत्र में जन हुंकार महारैली होने वाली है उसको लेकर बैठक ली है और कुछ उनके माध्यम से सुनते हैं कि क्या विषय वस्तु है। धन्यवाद। जो बाड़मेर के दोरीमिना में जो होने वाली जो किसान जन हुंकार रैली के लेके दोरीमिना में करने के उद्देश्य दोरीमिना सबके सेंटर में पड़ता है और यहाँ के किसानों की सबसे ज्यादा समस्या है और बजरी जो पूरे बाड़मेर के लोगों की है, लेकिन ये सेंट्रल पॉइंट पड़ता है और यहाँ के किसान नहरी फील्ड के किसान है, लाइट की भी समस्या है, बिजली नहीं जो टाइम पे नहीं मिलता उसकी समस्या है और सबसे बड़ा किसानों को फसल जो क्लेम है बीमा वो भी नहीं मिला है। बहुत सारी समस्याओं के लेकर ये दोरीमिना वैसे बाड़मेर का सेंटर पॉइंट है, इसलिए दोरीमिना चला गया। दोरीमिना में जो बेनीवाल साहब रैली होने उसके लिए क्या व्यवस्था क्या रहेगी? अब अभी व्यवस्था के लिए आज मीटिंग रखी गई है, सभी कार्यकर्ताओं का विचार विमर्श किया गया, सबकी राय ली गई और यहाँ अभी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे और हमारा यही मकसद है कि यहाँ कम से कम 1 लाख लोग यहाँ आए। दोरीमिना सुनने का क्या विचार है? गुड़ामालन विधानसभा सुनने का कैसे विचार है? गुड़ामालन विधानसभा क्षेत्र ये 3-4 विधानसभा क्षेत्र का सेंटर पड़ता है, इसलिए आप जो पूछ रहे हो वो अलग हिसाब से पूछ रहे हो, लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा तो यही मकसद है कि आरएलपी पार्टी मारवाड़ के अंदर मजबूत कैसे हो। पर यहाँ तो हेमाराम जी है, मजबूती रहेगी। हेमाराम जी कांग्रेस के हैं, हमारी पार्टी अलग है, अलग पार्टी के हिसाब से अलग विचारधारा है। वैसे हमारे समान नहीं है, हेमाराम जी समाज के हिसाब से हम सब आदर करते हैं उनका, लेकिन पार्टी के हिसाब से अलग अलग विचारधाराएं होती है और सत्ता के अंदर जाने के लिए पार्टी का माध्यम बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आरएलपी पार्टी तो डाटा की, आप क्या कैसे देखते हैं? नहीं ऐसी आरएलपी पार्टी सतीश कौम की पार्टी है। अभी आपने जोधपुर के अंदर भूंगरा कांड हुआ था, सबसे पहले हनुमान जी गए थे। सतीश कौम की जब गरीब दलित पीड़ित किसी के साथ में अन्याय होता है तो आगे की पंक्ति में हनुमान जी में आगे खड़े मिलते हैं, इसलिए आरएलपी पार्टी सतीश कौम की पार्टी है। ये तो विरोधी कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उनका काम यही है। 2023 विधानसभा चुनाव में गुड़ामालन कैसे देखते हो? घोड़ा पालानी की सही पूरी बाड़मेर की सातों विधानसभा आरएलपी पार्टी जीतेगी, इस हिसाब से पूरी करी। राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए गठबंधन करोगे या कैसे करोगे? अब वो तो बाद की बात है, आगे क्या समीकरण बनता है क्या होता है, लेकिन हमारी तो कोशिश रहेगी कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी दल एक होकर राजस्थान की सत्ता के ऊपर कब्जा कैसे करें, ये हमारी प्लानिंग रहेगी। दोरीमिना में सभा का समय क्या रहेगा? 24 जून प्रातः 11 बजे से। और कुछ जनता को दर्शकों को आप जो और कहना चाहते हैं? जनता को यही अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। ये बजरी का मामला है जो पूरे सब का मामला है, ये कोई कांग्रेस बीजेपी आरएलपी सबके लोगों के लिए बजरी की जरूरत है, कोई विशेष तौर से आरएलपी के लिए अलग से बजरी सही ऐसा कुछ है नहीं और सभी लोगों की पीड़ा है और बजरी के साथ साथ में अन्य समस्याएँ जो बाड़मेर जिला जूझ रहा है, पूरा राजस्थान जूझ रहा है, जैसे महंगाई के नाम के ऊपर सलावा हो रहा है कि कांग्रेस अपना प्रसार कैंप चला रही है और 2 महीने से और 500 रुपये का लालच इधर से दे रही है, टंकी के माध्यम से आपको फ्री देंगे और दूसरी तरफ 25,000 रुपये बजरी की ट्रक के पीछे एक लुटेरे ठेकेदार के द्वारा भोली भाली जनता को लुटाया जा रहा है। तो हमारा तो यही संदेश है पूरी जनता को, अभी जागने का समय आ गया, आप जागरूक हो और अपने विवेक से काम लो, अपने हिसाब से चलो, तभी आप राजस्थान का डेवलप होगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। गहलोत साहब तो कह रहे मैंने बहुत से विकास किया आपकी बात कहने को, तो गहलोत साहब भी बहुत कहते हैं, वसुंधरा भी बहुत कहती है, लेकिन इनका आपसी का मिला जुला भी है। गहलोत का साहब ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार जब गिर रही थी तब बीजेपी की वसुंधरा राजे ने बचाई थी, तो ये हनुमान जी तो 2009 से कह रहे हैं, लेकिन अब इनके खुद के मुँह से आप पूरी जनता सुनने लगी है कि ये मिले हुए हैं और इनकी बारी बंदी है, दोनों बारी से लूटते हैं, जब इनका मौका मिलता है तो लूट खसोट में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, इनकी लूट खसोट का जो खेल है अब 23 के अंदर इनका खेल खत्म हो जाएगा। गहलोत साहब कह रहे हैं 156 सीट आएगी, आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमें क्या डर, गहलोत साहब को डर लगना, गहलोत 56 की जगह है, अगर वो उनके खुद के नेता ही कह रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर के अंदर बैठे इतनी सीटें आएगी, अब वो जिस तरीके से वो चल रहे हैं उस तरीके से अभी जनता सब जागरूक हो चुकी है, सब समझ चुकी है, अभी पुरानी
विचारधारा नहीं रही है, जनता सब समझदार है, और जो समझदार नहीं थी तो हनुमान जी ने सबको समझदार कर दिया है। अब 23 के अंदर देख लो क्या होगा। एक पर्सन है गुड़ा मालानी के जो कार्यकर्ता है वो भी आपके मुंह की तरफ देखते हैं, आप आरएलपी के बड़े नेता हो, गुड़ा मालानी में किसे उम्मीदवार के लिए आपकी बार विचार में? अब देखो जो गुड़ा मालानी की जनता जो तय करेगी कि हमारा ये उम्मीदवार होना चाहिए उसी को टिकट किस आधार पे तय करोगे? सभी तरीके से जैसे सबके लिए मिलनसार व्यक्तित्व के आदमी हो, सबके लिए सही हो और सबको साथ में लेके चले ऐसे व्यक्ति को यहाँ। कुछ नए नेता वो शामिल होने के लिए आएगा तो आप उनको शामिल करें? सबका स्वागत है। कैसे शामिल करने क्या बाढ़ में अभी आरएलपी पार्टी के अंदर जो भी बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर नए नेता आएंगे उनका तहे दिल से स्वागत, उनका पार्टी के अंदर मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। रैली कराओगे, पैसे कहाँ से लाओगे आप? अब रैली के अंदर लोग अपने अपने खर्चे से आते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की रैली में आप देखें, आपने भी देखा होगा वहाँ बसें लगाते हैं, प्रयत्न करते हैं, फिर भी लोग नहीं आ पाते, लेकिन आरएलपी की रैली में, हनुमान जी की रैली में लोग अपने मन से आते हैं और अपने खर्चे से आते हैं, और इस बार भी जो रैली होगी लोग अपने अपने हिसाब से आएंगे और अपने सब मिलकर इस रैली की व्यवस्था करेंगे। खैर हम और सब लोग देखते हैं इतनी सारी भीड़, हनुमान जी की रैली आती कैसे, लाते कैसे आप? हनुमान जी के प्रति जनता का प्यार है, वो जनता के काम आते हैं, और 24 घंटे जब भी किसी को हनुमान जी की जरूरत पड़ती है, जब भी संकट में होता है तो हनुमान जी संकट मोचन उभर कर सामने आते हैं, इसलिए जनता का प्यार प्रेम हनुमान जी के साथ में। मेरे साथ है खान सिंह जी डेलू, जो मैं उनसे कुछ जानूंगा। खान सिंह जी अब की बार विधानसभा चुनाव कैसे देखते हो? इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दों पे लड़ा जाएगा, और ये जो चुनाव है वो वाक्य में हनुमान जी ने जो जगाया है लोगों को, व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देखा था उसको लेकर लड़ा जाएगा, और जो वसुंधरा और गहलोत का जो गठबंधन की बात 2009 से अभी उम्मीदवार राम जी ने बताई जो नेताजी कर रहे थे, वो दिन आज आपके सामने है जब राजस्थान के मुखिया श्रीमान अशोक जी गहलोत खुद बोल रहे हैं मेरी सरकार को वसुंधरा जी ने बसाया था। इस तरह के दिन अगर इनको देखने पड़ रहे हैं, अगर खुद ही वो अपने मुंह से सच बोल रहे हैं तो निश्चित ही जनता समझ रही है ये महंगाई आद कैंप वगैरह लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब 100 रुपये की 50 रुपये की बजरी है उसको 500 रुपये में बेचते हैं, 600 रुपये में बेचते हैं, जगह जगह पर खनन माफी आ गई है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो ऐसी सरकार से कि एक कागज़ इधर से लो, वापस इधर से उठाओ, फिर वापस इधर ले जाओ, ये इतना इनका मामला है, ज़्यादा कोई बड़ा लंबा छोड़ा मैटर नहीं। आप पशुपतरा विधानसभा से आते हो, पशुपतरा में बालोतरा का अभी बार जिला बनाया गहलोत साहब ने, विकास को से लग रहा है आपको क्या होगा? बालोतरा जिला तो लगभग 90 के दशक में बन जाना चाहिए था, अभी जो 20 साल लेट बना है ये अपने आप में इन सुनी हुई सरकारों की गलत नीतियों की वजह से बना है। बालोतरा जिला कभी का बन जाना चाहिए था, अब बना के कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? 1975 से आंदोलन चल रहे हैं, आज थोड़ी आंदोलन चला है जो जिला बना दिया, और जिला कोई राजस्थान में एक तो बने नहीं है, ऐसे जगह जगह पे जिले बांटे हैं ये, और इनकी वानर सेना जो भी काम लेके जाती है तो हनुमान जी एक झटके में आम आवाम का काम करते हैं, इसलिए ये रैलियों में जगह जगह पर अपने खर्चे से भीड़ आती है, बाकी जगह तो भीड़ लगाने के लिए संसाधन लगाने पड़ते हैं, पूरी टीम को लगाना पड़ता है, यहाँ तो भगवान की दया से असल में ऊपर में बजरंग बली की मेहरबानी है, तेजा जी का आशीर्वाद है और माँ जगदम्बा की कृपा है, इसलिए हनुमान जी की सुबह में इतने सालों की जो मेहनत है, संघर्ष है, काम किया है, इसलिए भीड़ आती है, और मैं आपको आज यहाँ बाबा आलम की धरती से एक भरोसा देता हूँ, दोरीमीना की जो रैली है तो दोरीमीना के जो बजरी का हल्ला बोल है, किसानों की समस्याओं को लेकर है, किसानों के बीमा क्लेम को लेकर है, किसानों के कर्जा माफी को लेकर है, नहर के पानी को लेकर जो ये रैली होगी वो राजस्थान में अपना अपने इतिहास रचेगी, इस बात का ये थान सिंह राजपुरोहित के मुख से सुने हुए आप उस दिन मुझे पूछ लेना क्या इतिहास रसा या न रसा, ये आपको 24 तारीख को दिख जाएगा। अभी मेरे साथ गुड़ामालानी विधानसभा के कदावर नेता अर्धाराम जी चौधरी है, मैं उनसे भी कुछ जानूंगा। अर्धाराम जी, गुड़ामालानी की आपके विधानसभा में बेनीवाल साहब की रैली कर रहे हैं, आप कैसे देखते हो? बहुत बढ़िया है, अच्छा हुआ है, हम तो प्रयास कर रहे थे पहले से कि हमारे यहाँ एक रैली करो, बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, हर विभागों में दुकानें चल रही है, जगह जगह जाओ जगह अत्याचार चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ये रात कैंप है ये भी गलत है, इनका प्रचार कर रहे हैं,
जगह जगह हमारे को पानी को लेकर धरना देना पड़ता है, हमारे को बीमा क्लेम के लिए धरना देना पड़ता है, हमारे को लाइट के लिए धरना देना पड़ता है, हर जगह कहाँ जाओ कहाँ हमारे को धरना देकर के लेना पड़ता है। सरकार का कोई हमारे दो दो मंत्री है कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बूढ़ामलहर विधानसभा में करवाने का आपको कैसे है? ये किसने ऐसा विचार दिया था क्या बूढ़ामलहर सभा बूढ़ामलहर विधानसभा में कैसे हनुमान जी ने सूझ दिया? वो तो उनकी मर्जी से हो गया है। हम बोल रहे थे पहले से कि हमारे कोई यहाँ ये तकलीफ है, तो इसीलिए उन्होंने सुन लिया। आप दर्शकों को या फिर लोगों को आमंत्रित करने बुलाना चाहो तो बुलाओ, सबों ने आमंत्रित है। हमारे ये पूरे विधानसभा क्षेत्र पूरा बाड़मेर।